हेलो गाइस, दिस इज तरुणदीप सिंह। वेलकम टू द डिजिटल लैंड। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि बिड स्ट्रेटजीज क्या होती है, आज वाले सेशन में हम देखेंगे कन्वर्जन क्या होता है, एड रोटेशन क्या होता है, एड शेड्यूलिंग क्या होता है। गाइस, ये ऑप्शन आपको बिड स्ट्रेटजी के नीचे शो मोर सेटिंग पे क्लिक करने पे मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कन्वर्जन एंड एड रोटेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन जो आता था पहले शेड्यूलिंग वाला, वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइज, देखते हैं कि क्या होता है, एड रोटेशन क्या होता है और कन्वर्जन क्या होता है। गाइज, इस सेटिंग को आपको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या होता है और कन्वर्जन कैसे सेट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है। जो कन्वर्जन होता है, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी अगर गोल सेट कर रहे हो, या आपने सेट किया कि कोई भी आपका यूजर, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई आपकी वेबसाइट पर आके परचेज कर लेता है, ठीक है, तो परचेज को आप क्या मानोगे, कन्वर्जन मान लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि उसने परचेज कर लिया या बाय कर लिया, तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट गोल सेट कर सकते हो। आप सपोज कीजिए कि आपने एक कन्वर्जन मान लिया कि कोई कार्ट में ऐड करके गया, तो उसको एक कन्वर्जन मान रहे हो, तो वो आपका कन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है। तो आपने, आपके ऊपर है कि आप किसको कन्वर्जन मानना चाहते हो। सेकेंड थिंग आती है कि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। आप अकाउंट लेवल पे आप सेटिंग कर सकते हो कन्वर्जन की। दूसरा होता है कि जो आप कैंपेन बना रहे हो, उस कैंपेन लेवल पे आप सेटिंग कर सकते हो। आओ देखते हैं कि प्रैक्टिकली कि कैसे इसमें कर सकते हैं हम। तो जब आप देखोगे यहाँ पे हाइड मोर किया हुआ मैंने यहाँ पे, इस पे क्लिक करने के बाद कन्वर्जन एंड एड रोटेशन आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो कन्वर्जन पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अकाउंट लेवल कन्वर्जन सेटिंग है ये। तो अगर आप अकाउंट लेवल पे करना चाहते हो, तो आप अकाउंट लेवल पे कर सकते हो ये वाली सेटिंग, अगर आप इसको चूज करते हो। अगर आप इस जो कैंपेन जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए अगर आप करना चाहते हो, तो आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट कन्वर्जन एक्शन। अगर आपने कन्वर्जन सेट कर रखी है पहले से, तो आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और होती है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आते हैं, कन्वर्जन एक्शन, सेकेंड आता है कन्वर्जन एक्शन सेट्स। तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्शन सेट्स, यानी कि कन्वर्जन जो आपने बहुत सारे बना रखे हैं, उनका सेट बना दोगे आप एक, तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जन एक्शन सेट। यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके कोई भी कन्वर्जन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हो, तो आप एक सेट बनाओगे कन्वर्जन का, वहां से उसको सेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो फिर। तो सेट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, और कन्वर्जन कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, उसके बाद उसको सेव कर लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप अकाउंट लेवल पे सेटिंग करना चाहते हो, तो आप अकाउंट लेवल सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो। आप जो भी आपने कन्वर्जन बना रखे हैं, वो अकाउंट लेवल पे सेटिंग पे होंगे, वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप किसी अपने करंट कैंपेन के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। सो गाइस, देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन टूल्स एंड सेटिंग के अंदर, आप जाएंगे कन्वर्जन पे, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अगर कन्वर्जन बना रखे हैं, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लिस्ट शो हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कन्वर्जन किसको बनाना चाहते हो, वेबसाइट वेबसाइट के विजिट को बनाना चाहते हो, एप्लीकेशन के लिए बनाना चाहते हो, फोन कॉल के लिए बनाना चाहते हो, या फिर कोई भी आप इम्पोर्ट करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, आप यहाँ पे फैच भी कर सकते हो। तो अगर आप वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हो कन्वर्जन, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना आप, किसके लिए, किसको आप कन्वर्जन बनाना चाहते हो, परचेज के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि परचेज के लिए आप कन्वर्जन बना सकते हो स्पेसिफिक, ऐड टू कार्ट को आप कन्वर्जन बनाना चाहते हो, बिगिन चेकआउट के लिए, सब्सक्राइब के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एड प्लान, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप कैंपेन के हिसाब से आप कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन नेम दे दोगे यहाँ पे आप, ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आपके जजमेंट के लिए है वो, कि आप उसको बाद में एनालाइज कर सकोगे कि आपने कौन सा कन्वर्जन क्रिएट किया था। थर्ड आता है वैल्यू, आप वैल्यू क्या देना चाहते हो, उसकी वैल्यू कितने डॉलर में है, क्या वैल्यू देना चाहते हो। अगर आप नहीं देना चाहते, तो डोंट यूज द वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दोगे, वैल्यू दे दोगे एक। यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं सेट करनी, तो थर्ड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। काउंट कर सकते हो कि एवरी कन्वर्जन होगा वो काउंट होगा, या फिर
एक काउंट करना है उसको। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो यहाँ पे 30 डेज के लिए डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हो 90 डेज के लिए मैक्सिमम। यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ से कन्वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो, कितने दिन के लिए बनाना चाहते हो विंडो, कितने दिन के लिए ओपन रहेगी यानी कि। और यहाँ पे व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो आप कितने दिन के लिए बनाना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे आप, मैक्सिमम 30 डेज है यहाँ पे। और उसके बाद आता है इंक्लूड इन कन्वर्जन, यस और नो, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। एट्रीब्यूशन में देखेंगे हम, एट्रीब्यूशन मॉडल जो होता है उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डीके एंड पोजीशन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। एक्चुअली गाइस मैंने ये क्लासेस में बताया हुआ है और मैं क्लासेस में बताता हूँ, द डिजिटल एंड इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो मुझे इस नंबर पे, मेरे ईमेल आईडी है contact@thedigitalland.com। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप विजिट करके वेबसाइट पे एनरोल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होती है, 3 to 4 months का ये बैच होता है। जो भी आपको क्वेरी पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप कन्वर्जन सेट बना सकते हो, यहाँ पे आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे किस किस को आप कन्वर्जन सेट में डालना चाहते हो। मान लीजिए मैंने 3 इनको कन्वर्जन सेट में डालना चाहता हूँ, तो मैंने 3 सिलेक्ट किए और मैंने इसको सेव कर दिया, तो मेरे कन्वर्जन सेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन बना सकते हो। यहाँ पे अपना कन्वर्जन नेम देना पड़ेगा, सेट का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो, कन्वर्जन सेट दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। इसको आप फर्दर एडिट करना चाहते हो तो एडिट करके यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, करना चाहते हो तो। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपके पास दो ऑप्शन है, कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना और कन्वर्जन सेट क्रिएट करना। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, कन्वर्जन के अंदर आपके पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे आपने कन्वर्जन लिया, पूरे अकाउंट लेवल पे आपने सेटिंग करना चाहते हो आप तो यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास चूज कन्वर्जन का, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कन्वर्जन। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, सेव किया, तो मेरा कन्वर्जन सिलेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है एड रोटेशन का। इससे पहले एक ऑप्शन और होता था एड शेड्यूलिंग का, वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो उसमें क्या होता था, आपके पास ऑप्शन होता था कि आप कब अपनी एड को दिखाना चाहते हो और कब डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन होते थे। सपोज कीजिए कि सैटरडे और संडे में आप एड नहीं दिखाना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन होता था कि सैटरडे संडे आप सिलेक्ट करोगे कि वहाँ पे उस मेरी एड नजर ना आए। तो गाइस देखना पड़ता है कि आपकी एड कब अच्छा परफॉर्म कर रही है और किस टाइम पर कर रही है, कितने बजे से कितने बजे तक कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड को शेड्यूल कर सकते हो। सपोज कीजिए कि आप 10 बजे से 4 बजे तक ऐड लगाना चाहते हो, तो 10 से 4 ऐड नजर आएगी आपकी, तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते थे। थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास ऐड रोटेशन का। ऐड रोटेशन में फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। यहाँ पे जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी, ठीक है, वो आपकी रन करेगी बार बार। सपोज कीजिए आपके पास 4 ऐड है, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 और ऐड 4। तो चारों में से बेस्ट मान लो कि सेकंड जो आपकी ऐड बनाई थी आपने वो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, तो वो वाली बार बार आपकी ऐड नजर आएगी अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो। अगर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है उस केस में, सेकंड ऑप्शन में नॉट रिकमेंडेड आ रहा है, पहले उसने बता दिया गूगल ने कि आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी आप ऐड को रोटेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि फर्स्ट वाली ऐड भी नजर आए मेरी, सेकंड भी नजर आए, थर्ड भी नजर आए, फोर्थ भी नजर आए, तो चारों ऐड आपकी रोटेशन बेसिस पे नजर आएगी। थर्ड ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। Ad will be run which gets more conversion. जो ad ज़्यादा conversion लेकर आ रही है वो वाली ad आपकी बार बार नजर आएगी। Suppose कीजिए कि third वाली जो आपकी conversion ज़्यादा लेकर आ रही है, इससे ज़्यादा conversion आ रहे हैं, तो third वाली ad ज़्यादा नजर आएगी, तो ये conversion basis पे आपकी ad को rotate करेगा। Fourth आता है आपके पास option rotate evenly। Guys fourth option आपके पास आता है rotate evenly। इसमें क्या होता है, आपकी चारों ad बारी बारी से रोटेट करेगी, कभी फर्स्ट दिखेगी, कभी सेकंड दिखेगी, कभी फोर्थ, कभी थर्ड, ठीक है, तो रोटेट होती रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ
ये सारी आपकी एड्स दिखेगी, चाहे वो परफॉर्मिंग बेस्ट परफॉर्मिंग एड हो या ना हो, चाहे वो कन्वर्जन लेकर आ रही हो या ना हो। ये भी नॉट रिकमेंडेड है, क्यों? इससे क्या होगा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एड नहीं है फिर भी वो रोटेट होती रहेगी, ठीक है, तो ये भी आपको रिकमेंड नहीं करता गूगल, बट ये ऑप्शन आपके पास है। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? चार ऑप्शंस। एक तो है कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को चला सकते हो, सेकंड ऑप्शन है कि आप ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे और रोटेट कर रहे हो इनडेफिनेटली, रोटेट हो रही है बार बार, और थर्ड ऑप्शन आपके पास है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, जो बेस्ट कन्वर्जन दे रही है वो वाली एड आपकी रन होगी। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है जिसमें क्या होगा, सारी की सारी एड्स आपकी रोटेट होती रहेंगी चाहे वो कन्वर्जन दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। सो गाइस, इस सेशन में इतना ही। इसमें हमने कवर किया है कि कन्वर्जन क्या होता है, एड रोटेशन क्या होता है और एड शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और द डिजिटल लर्नर से जुड़े रहने के लिए आपका थैंक्स।